से स्कूल में स्कूली बच्चों की तरफ से सोशल मीडिया विषय पर एक बहुत ही अच्छी स्किट ऑर्गेनाइज की गई। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के समय में सोशल मीडिया का जहां एक अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, वहीं कहीं ना कहीं कुछ लोग अपने गलत फायदों के लिए अपने गलत इस्तेमाल उसको करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर जो स्कूल के टीचर्स हैं, प्रबंधन है, वो हमारे साथ मौजूद है। मैं सबसे पहले आपको शुभकामनाएं कि समय समय पर इस तरह के आप ऑर्गेनाइज करते हैं और आज स्कूली बच्चों की तरफ से एक बहुत ही अच्छी स्किट ऑर्गेनाइज की गई, बहुत ही अच्छा सोशली मैसेज दिया गया, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। आज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है टू एजुकेट द स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ द बेनिफिट्स एंड द यू नो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द सोशल मीडिया। ऑफकोर्स इट हैज़ यू नो गिवन अ प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स टू, इट्स लाइक एवरीथिंग इज जस्ट क्लिक अवे फ्रॉम देम, वट एवर दे वॉन्ट टू यू नो सर्च देयर फॉर देयर एजुकेशन पर्पज, फॉर यू नो फॉर देयर growth purpose, educational growth, it is fine. But when it comes to, the over usage of the social media, especially not in a constructive way, but in a destructive way, that was thing which was, you know, portrayed in our the skit there, that over usage of the Facebook, over usage of the WhatsApp, and the friends and the, you know, they are, everything has become virtual now. The connection between the people and to have a real contact with the person has gone, you know, nowadays. It is more of a virtual thing. And of course, since everything is just a click away, they can, you know, randomly go to anywhere and, you know, have any content which is not even desirable for the students, you know, for this generation. So that is something which has been portrayed. And thanks to Dainik Jagran also, who has taken this initiative and covering all these aspects and, you know, creating more awareness about the negative aspects of the social media. इस ना चीज का नाम ट्विटर है। इस ना चीज का नाम क्या है? नेता, अभिनेता, पत्रकार, खिलाड़ी, कोई मेरे बगैर नहीं रह सकता। मैं व्हाट्सएप हूँ, मेरी पूरी दुनिया पे कब्जा है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। मैं इंस्टाग्राम, मैंने ही युवा को पागल कर रखा है। अगर छूना है ऊंचाइयों को, पंखों को फैलाना होगा। पर्याप्त नहीं है किताबों से मिली नॉलेज, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए इंटरनेट पर सर्च बढ़ाना होगा। तो आ गए तुम? हाँ, कल स्कूल में ना मुझे प्रदूषण बारे कविता लिखनी है। क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिससे मैं कॉपी कर लूँ? अरे, किस दुनिया में जी रहे हो तुम? इंटरनेट पर सर्च करो, वहाँ पर हर मर्ज की दवा मिलती है। ये इंटरनेट किस चिड़िया का नाम है? इंटरनेट पर अच्छे सर्च करना, वहाँ पर बहुत कुछ मिलता है। अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डाल, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, तू थोड़ी देर बाद आना। तुम सही कह रहे थे, गूगल पर सर्च किया और 2 मिनट में काम हो गया, फटाफट लिख डाली और टाइम भी बच गया, टीचर भी खुश और मैं भी खुश। अब तो बहुत सारा टाइम बचा है, अब तो मैं मजे से खेलूंगा। आओ, मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ सिखाता हूँ। मम्मी, मेरे 95% आए और मेरे 90%। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। लेकिन मम्मी, आपको याद है ना, आपको हमारे अच्छे मार्क्स आने पर फोन गिफ्ट करना था। हाँ हाँ, मुझे अपना प्रॉमिस याद है, अभी लाती हूँ तुम्हारे फोन। ये हमें फोन मिलेगा। थैंक यू मम्मी। ये लो अपने अपने फोन, मगर एक बात का ध्यान रखना, इसका प्रयोग सिर्फ पढ़ाई के लिए ही करना। थैंक यू मम्मी। अरे ये क्या, मेरे फोन में तो चार्ज ही नहीं है। चलो दीदी का ले लेती हूँ। बड़ी पा
मुझे डिस्टर्ब मत कर। नमस्कार, इस समय मौजूद है करनाल के अपोलो स्कूल में, जहां पर असेंबली के दौरान एक बहुत ही अच्छी स्किट की गई, सोशल मीडिया बेस्ड स्किट की गई, जहां स्टूडेंट्स को भी कहीं ना कहीं इसके बारे में नॉलेज मिली। वही स्टूडेंट्स ने खुद इस किट में पार्टिसिपेट किया, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स वो बने और उसके थ्रू उन्होंने बताया कि क्या उनका प्रभाव पड़ रहा है सोसाइटी पर, किस तरह से उसका अच्छा यूज हो रहा है या बुरा यूज हो रहा है, इस सब के बारे में डिस्कस किया। तो हम बच्चों से जानते हैं, आपका नाम क्या है और आप क्या बने थे आज? मैम, मेरा नाम लब्धि है और मैं आज व्हाट्सएप बने थे। तो आपने स्टूडेंट्स को क्या मैसेज दिया? मैंने ये मैसेज दिया कि बच्चे या जवान या बूढ़ा कोई भी, हमेशा ये मेरे सब दीवाने हो चुके हैं, सब मेरा यूज़ करते हैं, और मैं तो सब लोगों को अपने से अपना जोड़ने आया था, पर लेकिन किसी ने मेरा गलत इस्तेमाल कर दिया उसमें, तो सब ने मेरे को ही बदनाम कर दिया। आप क्या बने थे मैम, और क्या आपने लोगों को अपने बारे में बताइए? मेरा नाम माधवी है और मैं फेसबुक बनी थी, मतलब मैं सबको एक से एक जोड़ने आई थी, लेकिन सबने मुझे गलत इस्तेमाल करके बदनाम कर दिया। कई लोगों ने मेरा सही इस्तेमाल करके स्टडी, सर्विस, बिजनेस में तरक्की करी है, और कई लोगों ने मेरा गलत इस्तेमाल करके मुझे ही बदनाम कर दिया। जी मैम, आप क्या बने थे और आपने अपने बारे में? मेरा नाम आईली है, मैं गूगल बनी थी, सब लोग मतलब मेरा ही सारा काम करते थे मेरे से ही, और इस कारण वो खुद काम कुछ नहीं कर पाते थे, कुछ नहीं सीख पाते थे मुझसे। मैम, आप क्या बने थे? मैम, मैं आज ट्विटर बनी थी, और पहले तो मैसेज ये था कि कोई, जब पहले फ़ोन नहीं होते थे और अब फ़ोन भी आ गए हैं, तो इनसे हम ये भी जान सकते हैं कि कौन कहाँ और कैसा है, पर इन्होंने कुछ गलत ही इसका इस्तेमाल करके हमें बदनाम कर दिया कि ये अच्छे नहीं होते हैं। जी मैम, आप क्या बने थे, अपनी ऐप के बारे में आपने लोगों को क्या कहा? तो जैसा कि आपने देखा, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर ऐप्स के रूप में, जो सोशल साइट्स हैं उनके रूप में यहाँ पर वो आज स्टूडेंट्स के सामने आए। उन्होंने बताया किस तरह से उनको लोगों को कनेक्ट करने के लिए ऐप्स बनाई गई थी, जिसका अच्छे से पढ़ाई में या काफ़ी और चीज़ों में यूज़ किया जा सके, लेकिन किस तरह से इसका प्रभाव स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा पड़ता हुआ नज़र आया, इसके चलते आधे से ज़्यादा समय जो स्टूडेंट्स का इन्हीं सब चीज़ों में निकल जाता है। तो इस समय हमारे साथ जो नरेटर थे इस किट के, वो भी हैं, उनसे जानते हैं क्या पूरी इसकी बेस थी और क्या मैसेज आपने स्टूडेंट्स को दिया। ये इसकी टोटली इसकी बेस थी कि हमें ना सोशल मीडिया का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों पता है, बट समवन ट्राइज टू यूज इंटरनेट इन नेगेटिव वेज, लाइक समवन हैक समवनस आईडी और फिर बाद में लोग बोलते हैं हमारे करियर खराब हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, हमें खुद पे भरोसा है, और किताबों से मिली जो नॉलेज है वो इंटरनेट से कहीं ज़्यादा अच्छी है। तो जैसा कि आपने देखा, बहुत ही अच्छा मैसेज आज यहाँ पे स्टूडेंट्स को कन्वे किया गया इस किट के माध्यम से। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही जो स्पेशल प्रोग्राम्स है वो किए जाते रहे हैं। अब मेरे आगे तभी आना, तब लाइक और उसे फोन से दूर रखे और ज्यादा से ज्यादा समय दें। अरे हाँ, याद आया, आज इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब 4 घंटे तक कोई भी इंटरनेट प्रोवाइडर नेट नहीं देगा। चलो अच्छा है, आज सभी अपने घर से बाहर जाएंगे। चलो मैं तो जाता हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। ये तस्वीरें जो आपने देखी करनाल के अपोलो इंटरनेशनल स्कूल की थी, जहाँ पर हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया के क्या कुछ फायदे हैं और क्या कुछ नुकसान है, इसी को लेकर अपोलो इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने एक बहुत ही शानदार स्किट पेश की। और आप देख सकते हैं जो यहाँ पर टीचर है उनसे हम जानना चाहेंगे, मैं बहुत ही अच्छी स्किट रही और बच्चों ने बहुत ही अच्छा मैसेज जो है स्किट के माध्यम से दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन बच्चों के बारे में और क्या कुछ मैसेज जो है बच्चों की तरफ से दिया गया? आज अपोलो इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में छात्रों ने सोशल मीडिया पर बहुत ही सुंदर लघु नाटिका प्रस्तुत की है। हर एक चीज़ के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होता है। अध्यापकों के रूप में हमें ही बच्चों को सिखाना है कि वे किस तरह से उसका फायदे को लेते हैं। अगर आज के बच्चे ही हमारे समाज के विकास के निर्माता हैं, हमें बच्चों को बताना होगा कि समाज में नई नई खोजें हो रही हैं, और हमें बच्चों को सिखाना है कि वो किस तरह से किस चीज़ का फायदा लेते हैं। सोशल मीडिया में बहुत कुछ है, फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारी चीज़ें आई बच्चों के फायदे के लिए थी और अपनों से अपनों को जोड़ने के लिए थी, लेकिन गलत हाथों में पड़कर इसका गलत प्रयोग हुआ है, लेकिन हमें अपने बच्चों को ये सही राह दिखानी है। तो ये आपने देखा कि बहुत ही अच्छा प्रयास जो है यहाँ पर स्कूल प्रबंधन की तरफ से किया गया है, और समय समय पर अपोलो इंटरनेशनल स्कूल में इस तरह के सराहनीय प्रयास किए जाते रहे। और जैसे कि आज आपने देखा कि सोशल मीडिया जो एक काफी महत्वपूर्ण बिंदु भी है, जिस पर चर्चा समय रहते होनी जरूर चाहिए। कमल मीडिया करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल। अरे अरे, आज कार्तिक भैया किस सोच में है? मैं एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूँ, क्या मुझे वो मिल पाएगा? गूगल पे, गूगल पे।
क्वेश्चन का उत्तर दे पाएगा तुम्हारा गूगल? भैया ये तो बताओ ढूंढ क्या रहे हो? बताओ बताओ क्या ढूंढ रहे हो? शांति सुकून क्या दे पाएगा तुम्हारा ये गूगल? जिंदगी सच में जीने के लिए होती है, पर तुम सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपना ही वर्चुअल वर्ल्ड बनाए रखे हो, सामने से ही उत्सव रहते हो। और हाँ, काल की चीजों का रखो, वरना रिया की तरह तुम भी पछताओगे। युवा यहाँ तक कि बूढ़े भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे भारत में 70 करोड़ लोगों के पास फोन है, उनमें से 25 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, और इन 25 करोड़ में से 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं।